का केंद्र और चार धामों में सबसे पुराना धाम है जगन्नाथ धाम, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। ओडिशा के पुरी शहर का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह हर साल आषाढ़ के खास महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने बनवाना शुरू किया और फिर ओडिशा के शासक अनंग भीमदेव के शासनकाल में इसे मौजूदा आकार मिला और एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जिसकी बनावट आज भी हर किसी को हैरान कर देती है। अब बात करते हैं मंदिर के उन चमत्कारों की जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगे इस झंडे को देखिए। दिखने और लहराने में भले ही ये एक सामान्य झंडा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया का पहला ऐसा झंडा है जो हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है ये जानने की कोशिश आज तक कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिला। ये झंडा इतना भव्य है कि यह इस शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। आम तौर पर हर मंदिर के गुंबद पर पक्षी तो दिखते ही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गुंबद के ऊपर या आसपास कोई भी पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देगा और सैकड़ों सालों से आज तक इस गुंबद पर कभी किसी को कोई पक्षी बैठा भी नहीं दिखाई दिया। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान आज तक नहीं गुजर पाया। विमान इस क्षेत्र में आता तो है, लेकिन ठीक इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजर सकता। लेकिन ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि क्यों इस मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमानों का रास्ता अपने आप बदल जाता है। ये मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इस मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देती। इस मंदिर के गुंबद पर लगा सुदर्शन चक्र अष्टधातु से बना है और शहर के किसी भी हिस्से से आप इस सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। मंदिर का ये महा चमत्कार हैरान कर देने वाला है। यहाँ रोजाना लाखों लोगों का खाना बनाया जाता है। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस रसोई में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकता है और इस महाप्रसाद को रोजाना 800 लोग मिलकर बनाते हैं। यहाँ पकाए जाने वाला प्रसाद 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ऊपर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे तेज आंच सबसे नीचे वाले बर्तन में लगती है। ये कैसे और क्यों होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जरा सोचिए कि 10 से 20 फीट की दीवार पर सीधे चढ़ने के ख्याल से भी हम डर जाते हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गुंबद का झंडा बदलने वाला शख्स हर रोज 214 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ता है और वो भी उल्टा। जी हाँ, हजारों सालों से चली आ रही मान्यता के अनुसार उल्टा चढ़कर ही इस मंदिर का झंडा बदला जाता है। आम तौर पर दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और शाम के दौरान जमीन से समुद्र की तरफ, लेकिन जगन्नाथ पुरी में ठीक इसका उल्टा होता है और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर समुन्दर के करीब है, इसीलिए समुन्दर के लहरों की आवाज मंदिर में सुनाई देती है। मंदिर का ये सिंह द्वार सबसे रहस्यमय है। जैसे ही आप सिंह द्वार में दाखिल होंगे, आपको समंदर के लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी, लेकिन आप जैसे ही इस द्वार को पार करके अंदर दाखिल होंगे, आपको लहरों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगेगी। एक राज ये भी है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा निकलती है और उस दिन बारिश होती ही है। सदियों से लोगों ने यहाँ कोई भी साल ऐसा नहीं देखा जब इस दिन आसमान सूखा रह गया हो। अब इन सारी बातों को चमत्कार कहा जाए या कुछ और, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ये चमत्कार आज तक सभी के लिए एक पहेली है।